सो दोस्तों, मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे हिक कनेक्ट ऐप। ये एप्लीकेशन हिक विजन का है। आप इस एप्लीकेशन से सीसीटीवी कैमरा अपने मोबाइल पे ऑनलाइन देख सकते हैं कहीं से भी। तो हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखें। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड होकर के ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा और एक मोबाइल में हमारे पहले से कैमरे चल रहे थे, दूसरे मोबाइल में हमें करना है। तो उसके लिए अगर आपके सीसीटीवी इंस्टॉलर है, अगर आपका मोबाइल पे पहले एक्सेस किया गया है तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको उसने दिया होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल से भी बन सकता है और आप ईमेल के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि आप यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं ही कनेक्ट पर, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे स्कैनिंग चालू हो गई है, ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। दूसरे मोबाइल में हमारे चल रहा है, इसको करेंगे ओपन। तो यहाँ पे दूसरे मोबाइल में मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अकाउंट की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ कर लेंगे अलाउ, फिर कर लेंगे एग्री। और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया पहले से सिलेक्टेड है, ओके कर देंगे। यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे जिस नंबर या ईमेल से अकाउंट बना होगा वो यहाँ पे आपको डालना है और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप अपना हिकविजन का DVR या NVR ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको एक क्लाउड अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ से हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो हम सिर्फ इसमें लॉगिन करेंगे, रजिस्टर नहीं करना है। एक बार रजिस्टर हो चुका है उसी आईडी पे हम दूसरे मोबाइल में देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लॉगिन ना करना चाहें, सिर्फ सिंपली आप अकाउंट बनाएं और शेयर से आप शेयर करा सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो DVR है वो आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये सिक्योरिटी की आप मांगेगा, वेरिफिकेशन कोड होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि इनक्रिप्शन की कहां से मिलता है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहां ओके करेंगे तो यहां पे हमारा कैमरा चल जाएगा। वेरिफिकेशन कोड आपको सही डालना है, दूसरे लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये भी कैमरा दिख जाएगा, तीसरे पे करेंगे तो ऐसे दिख जाएगा, नहीं तो आप बैक करके फिर से प्ले करेंगे तो सारे कैमरे एक्सेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।